बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स, ये हमारा प्रोजेक्ट है ऑटो एंड मैनुअल वाटर इरिगेशन सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हमने यहाँ पे पावर सोर्स के लिए ट्रांसफार्मर यूज किए हुए हैं, 220 इन है और 12 वोल्ट आउट है एसी, उनको डीसी करने के लिए ब्रिज रेक्टिफायर यूज किए हुए हैं। ये वाला ट्रांसफार्मर हमने पंप की पावर सप्लाई के लिए यूज किया हुआ है और ये वाला ट्रांसफार्मर हमने सर्किट की पावर सप्लाई के लिए यूज किया हुआ है। सर्किट में सबसे पहले हमने यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बनाया हुआ है, फिर फिल्टर कैपेसिटर है, फिर डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर है। बक कन्वर्टर की इनपुट पे हमने 12 वोल्ट दिए हुए हैं और आउटपुट पे हमने 5 वोल्ट सेट किए हुए हैं। अर्डिनो मेगा आरटीसी मॉड्यूल, एलसीडी नोड, एमसीयू वाईफाई मॉड्यूल, इसको हम 5 वोल्ट डीसी टू डीसी बक कन्वर्टर से प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 4 पुश बटन यूज किए हुए हैं। तो रात के टाइम ये वाटर इन ना हो, उसके लिए हम टाइम सेट कर देते हैं, यानी कि इतने से इतने बजे तक हम वाटर को इन होने के लिए डिसेबल कर देते हैं और उसके बाद स्टार्टिंग टाइम होता है, उसके बाद दोबारा से एनेबल करते हैं। जिस मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू ड्रॉप होती है 40 से, तो उस मॉइस्चर सेंसर का वॉल ओपन हो जाता है। वॉल ओपन होने के 1 सेकंड के बाद पंप ऑन हो जाता है, तो उसके थ्रू फिर आगे हमारी उस प्लांट के अंदर वाटर जाना शुरू हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास 3 मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू आ रही है। मॉइस्चर 1 जो है हमारा वो 56 पे है और बाकी दोनों मॉइस्चर सेंसर हमारे अभी 00 पे है। अब इसके साथ ही हमने वाटर का लेवल, जो टैंक का लेवल है, वो डिस्प्ले किया हुआ है। तो यहाँ पर हमने जो टैंक का लेवल है उसको रीड करने के लिए अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया हुआ है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर के थ्रू हम यहाँ से वाटर का लेवल मेजर कर रहे हैं। अगर ये वाटर हमारा 20 से ड्रॉप होता है तो उस कंडीशन के ऊपर हम इस टैंक को फिल करने के लिए हम नीचे जो बेस वाला पंप है वहां से हम वाटर आउट करेंगे और ये जैसे ही 80 से ओवर जाएगा तो उस कंडीशन के ऊपर स्टोरेज टैंक है उसका वाटर आना बंद हो जाएगा। तो आगे हमने इस पंप के आगे हमने 3 वॉल अटैच किए हुए हैं। तो ये सोलेनोइड वॉल है, जिस प्लांट को हमने पानी देना होता है, यानी कि जिस मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू 40 से ड्रॉप होती है उसका वॉल ओपन हो जाता है और पंप ऑन हो जाता है, तो उस प्लांट को पानी जाना शुरू हो जाता है। और जैसे ही उस मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू 70 से ओवर जाती है तो उस कंडीशन के ऊपर पहले पंप ऑफ होता है, उसके बाद वॉल भी ऑफ हो जाता है। और जब तक कोई भी वॉल ओपन रहता है उस कंडीशन के ऊपर पंप ऑन रहता है। जैसे ही मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू कंप्लीट होती है सारे प्लांट्स की, उस कंडीशन के ऊपर पहले पंप ऑफ होता है, उसके बाद वॉल भी ऑफ हो जाता है। आईओटी के लिए हमने ब्लिंक सर्वर की एप्लीकेशन यूज की हुई है। तो अभी हमारा जो सिस्टम है वो मैनुअल मोड में है। तो यहाँ पे हमें एप्लीकेशन में 3 मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है और साथ ही टैंक का लेवल डिस्प्ले कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से फर्स्ट पंप ऑन करते हैं, जैसे हम फर्स्ट पंप ऑन करते हैं तो पहले हमारा सोलेनोइड वाल्व ऑन हो जाता है, इसके बाद 1 सेकंड के बाद पंप ऑन हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे फर्स्ट वाले का वाटर फिल होना शुरू हो गया हुआ है और यहाँ पे फर्स्ट वाले की वैल्यू अप होती जा रही है। अगर हमने मैनुअल में खुद ऑफ करना होगा तो यहाँ से हम खुद पंप को ऑफ करेंगे, तो पहले हमारा पंप ऑफ होगा, इसके 1 सेकंड के बाद सोलेनोइड वाल्व भी ऑफ हो जाएगा। तो अभी फर्स्ट वाला जो मॉइस्चर सेंसर है उसकी वैल्यू 75 पे चली गई हुई है। अब इसी तरह ही हम दूसरे प्लांट को वाटर इन करते हैं। तो यहाँ से पहले सोलेनोइड वाल्व ओपन हुआ है, इसके बाद पंप ऑन हो गया हुआ है, तो ये दूसरे की भी वाटर फिलिंग होना शुरू हुई हुई है। तो यहाँ से हमने दूसरे वॉल को भी क्लोज कर दिया और पंप हमारा ऑफ हो गया हुआ है। तो यहाँ पे दूसरे मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू 72 होगी हुई है। अब हम तीसरा पंप ऑन करते हैं तो तीसरे के लिए वाटर फिलिंग होना शुरू होगी हुई है। तो इसकी भी मॉइस्चर की वैल्यू अब 70 से ऊपर गई है, तो हमने इसको भी ऑफ कर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा जो टैंक का लेवल है वो भी ड्रॉप हो गया हुआ है। टैंक का लेवल जैसे ही 20 से ड्रॉप होगा इसने बेस वाले टैंक से वाटर फिलिंग होना शुरू कर देनी है। अब हम इसको ऑटो पे शिफ्ट करते हैं। तो जैसे हमने ऑटो पे शिफ्ट किया है, अभी फिलहाल तीनों मॉइस्चर सेंसर हमारे 40 से अबव हैं, इस वजह से कोई भी वॉल ओपन नहीं हुआ और पंप भी ऑन नहीं हुआ। जैसे हम किसी भी मॉइस्चर सेंसर की वैल्यू 40 से ड्रॉप करेंगे तो वो वाला पहले वॉल ऑन हो जाएगा और उसके बाद 1 सेकंड के बाद पंप ऑन हो जाएगा। अब जैसे ही वैल्यू 70 से अबव गई है उस कंडीशन के ऊपर पहले पंप ऑफ होता है, इसके बाद सोलेनोइड वाल्व भी ऑफ हो जाता है। अब इसी तरह ही हम ऑटो में दूसरे का मॉइस्चर सेंसर वाटर से आउट करते हैं, उस कंडीशन के ऊपर दूसरा के लिए सोलेनोइड वाल्व ओपन हो गया हुआ है और साथ पंप भी ऑन हो गया हुआ है।
अब इसी तरह तीसरे का जब हम मोशन सेंसर को वाटर से आउट करेंगे उस कंडीशन के ऊपर, तीसरे के लिए सोलनेट वाल्व ओपन हो गया हुआ है और साथ ही पंप ऑन हो गया हुआ है, और जैसे ही ये वाटर हमारा टैंक का लेवल हमारा 20 से ड्रॉप हुआ था तो ये ऑटोमेटिकली नीचे वाले जो बेस वाला पंप है उसने जो हमारा स्टोरेज टैंक है उसको फिल करना शुरू कर दिया हुआ है। तो जैसे ही स्टोरेज टैंक की वैल्यू 80 से ओवर गई है उस कंडीशन के ऊपर स्टोरेज टैंक वाला पंप भी ऑफ हो गया हुआ है।